श्यामनगर गांव में सरिता अपने परिवार के साथ रहती है। सुबह का वक्त है। सरिता, उसका पति प्रेम और उसकी सास बिमला तीनों मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। हे कृष्ण मुरारी, हे नंदलाल, हमारी भी विनती सुन लो प्रभु, हमारे सारे दुख दूर कर दो प्रभु। सरिता का पति प्रेम मुखिया जी के घर पर नौकर है। मुखिया उसे घर के और बाहर के सारे काम करवाता है, लेकिन तनख्वाह के नाम पर उसे सिर्फ कीड़े लगे हुए अनाज और घर में बचा हुआ बासी खाना देता है। उसी से उन तीनों का गुजारा किसी तरह चलता है। एक दिन सरिता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। प्रेम गांव के वैद्य जी को बुला कर लाता है। बधाई हो बिमला, तुम दादी बनने वाली हो। इस खुशी का सरिता और उसके ससुराल वाले 4 साल से इंतजार कर रहे थे। शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी सरिता माँ नहीं बन पाई थी। अब जाकर उसके घर में खुशियों ने दस्तक दी थी। बहू, भगवान कृष्ण की कृपा से तू माँ बनने वाली है। जी माँ जी, ये सब भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ही हुआ है। जय नंदलाल की। सरिता और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन की बात है, गांव में एक पहुंचे हुए बाबा आए। मुखिया जी ने बाबा को अपने घर पर ठहराया। दूसरे दिन मुखिया जी ने पूरे गांव में कहलवा दिया कि बाबा जी का सत्संग है, सभी ग्रामीणों को सत्संग में आना है। दूसरे दिन सत्संग में सभी ग्रामीण पहुंच गए। सरिता भी अपने पति प्रेम और सास बिमला के साथ सत्संग में आई। बाबा जी ने भगवान कृष्ण के जन्म की पूरी कथा सुनाई। सत्संग खत्म होने के बाद सभी ग्रामीण एक एक करके बाबा जी का आशीर्वाद लेने उनके पास जा रहे थे। सरिता भी बिमला के साथ बाबा जी के पास पहुंची। सरिता को देखते ही बाबा जी ने कहा, इसके गर्भ से एक बालक जन्म लेगा जो बहुत तेजस्वी होगा और वो दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। उसके कर्मों की वजह से ये गांव उसके नाम से जाना जाएगा। बाबा जी की भविष्यवाणी सुनकर मुखिया को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आने लगा। मुखिया ने अपने मन में सोचा, प्रेम तो मेरा नौकर है, एक नौकर का बेटा इतना तेजस्वी कैसे हो सकता है? कहीं इसका आने वाला बच्चा इस गांव में मेरी जगह न ले ले। बाबा जी की भविष्यवाणी से मुखिया डर गया। सत्संग खत्म होने के बाद जब सारे लोग अपने अपने घर चले गए, तब मुखिया ने प्रेम और उसके परिवार को अपने घर पर रोक लिया। प्रेम, तुम लोग यहीं रुको, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मैंने अपने घर पर विशेष अनुष्ठान रखा है। सरिता, प्रेम और बिमला ये सुनकर बहुत खुश हो गए। तीनों मुखिया जी के घर पर रुक गए और तभी मुखिया ने अपने आदमियों से कहकर तीनों को बंधक बना लिया। ये क्या मुखिया जी, आपने तो कहा था कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए आप विशेष अनुष्ठान करेंगे, क्या यही है आपका अनुष्ठान? चुप कर बेवकूफ औरत, तेरा बेटा इस गांव में मेरी जगह लेगा, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज से तुम लोग यहीं रहोगे और तुम्हारे बेटे को मैं अपने घर में नौकर बनाऊंगा। सरिता और प्रेम ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और भगवान कृष्ण को याद करने लगते हैं। हे कन्हैया, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसका भविष्य अब आपके हाथों में है। इतने सालों के बाद हमारे घर में खुशियाँ आई थी, उस पर भी मुखिया की नजर लग गई। तुम चिंता मत करो माँ, भगवान कृष्ण सब ठीक कर देंगे, उनका लिखा कोई नहीं मिटा सकता, मुखिया भी नहीं। सरिता, प्रेम और बिमला तीनों अब मुखिया के घर में उसके बंधक बनकर रह रहे थे। तीनों हर समय भगवान कृष्ण को याद करते और उनकी आराधना करते। धीरे धीरे करके कई महीने गुजर गए। जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा था और सरिता का गर्भ भी अब 9 महीने का हो गया था। माँ जी, जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने जन्माष्टमी का त्योहार ना मनाया हो, लेकिन इस बार लगता है कि हम इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर पाएंगे। सरिता बहू, मुखिया जी तो हमें मंदिर तक भी नहीं जाने देंगे, हमें यहीं रहकर भगवान कृष्ण को याद करना होगा, कृष्ण हमारे सारे दुख दूर कर देंगे। माँ जी, मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं जन्माष्टमी का व्रत रखकर अपनी पूजा करूंगी। लेकिन सरिता बहू, तू इस हाल में कैसे भूखे रहेगी, वैसे भी मुखिया जी हमें खाने के लिए देते ही क्या है, 2 सूखी रोटी बस, तुझे तो पहले ही भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा और तेरा 9वां महीना भी चल रहा है, ऐसे में तेरा व्रत करना मुझे तो ठीक नहीं लगता। माँ जी, हमें देखने वाले तो कृष्ण है, मैं जब भगवान कृष्ण का नाम लेती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जन्माष्टमी का व्रत जरूर करूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, कृष्ण तेरी रक्षा करे। कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी का त्योहार भी आ गया। तीनों ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और सरिता ने जन्माष्टमी का व्रत रखा। भगवान कृष्ण, इस बार विधि विधान से आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मेरा व्रत स्वीकार करो।
सरिता सारा दिन भूखी थी। देखते ही देखते दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही बाहर बहुत मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़े ही समय में गांव में पानी भर गया। सरिता, प्रेम और विमला जिस कोठरी में थे उसमें भी पानी भरने लगा। उसी समय अचानक सरिता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। सरिता दर्द के मारे चीखने लगी। बेटा प्रेम, ऐसा लगता है कि बहू के प्रसव का समय नजदीक आ गया है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन माँ, हम इस बंद कोठरी में कर भी क्या सकते हैं? कोठरी में पानी भी भर गया है, अब तो कृष्ण ही सरिता की रक्षा करेंगे। सरिता का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटों के बाद सरिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हमारा बेटा जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम कान्हा रखेंगे। कान्हा, कितना प्यारा नाम है। तीनों बच्चे को अपनी गोद में लेकर कान्हा कान्हा की पुकार करने लगे, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सरिता, विमला और प्रेम जिस कोठरी में बंद थे, उस कोठरी का ताला अपने आप खुल गया। माँ जी, देखा आपने, कृष्णा ने हमें मुखिया के बंधन से मुक्त करा दिया। कोठरी का ताला अपने आप खुल गया। हाँ बहू, कोठरी में पानी भी भर गया है, इसलिए यहाँ मुखिया नहीं आएगा। अब हमें इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर मुखिया के आदमी पहरा दे रहे होंगे। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। प्रेम ने बाहर जाकर देखा तो भारी बारिश के कारण वहाँ कोई भी नहीं था। मुखिया के आदमी बारिश के कारण अपने अपने घर चले गए हैं, गांव में बाढ़ आ गई है। ऐसे में हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन पहले इस कैद से तो बाहर निकल जाएं। तीनों भारी बारिश में कान्हा को लेकर निकल पड़ते हैं। बाहर तो बहुत पानी भरा है, ऐसे में हम चारों कहीं डूब न जाएं। तू चिंता मत कर सरिता, हमें आगे का रास्ता भगवान कृष्ण ही दिखाएंगे। तीनों बाढ़ के पानी में तैर कर बाहर आने लगे। प्रेम ने कान्हा को अपनी गोद में ले लिया और सरिता उसके ऊपर अपने आंचल की छाया से उसे बचाने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। वो तीनों जिधर से गुजरते वहाँ पर बाढ़ का पानी अपने आप हट जाता, रास्ते अपने आप खुलते चले गए। बारिश ने भी कान्हा के ऊपर बरसने से मना कर दिया। ये कैसा चमत्कार है, पूरे गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है लेकिन हमारे रास्ते में एकदम सूखा है और कान्हा के ऊपर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। मुझे तो लगता है कान्हा के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। तीनों चलते चलते गाँव के बाहर पहुँच गए। वहाँ तीनों को भगवान कृष्ण का एक मंदिर दिखाई दिया। तीनों कान्हा को लेकर मंदिर में पहुँचे। माँ जी, आखिर जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान कृष्ण के दर्शन हो ही गए। बहू, तेरा व्रत सफल हुआ। तीनों ने मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। विमला और प्रेम भी सरिता के साथ भगवान कृष्ण की आरती गाते हैं। सरिता की मधुर आवाज सुनकर वहाँ एक आदमी आता है। देखने में वो कोई धनी व्यक्ति लग रहा था। कितनी मधुर आवाज है, मुझे कृष्णा के मंदिर में ऐसी ही भजन गाने वाली औरत की जरूरत है। आप कौन है? मेरा नाम रामलाल है। भगवान कृष्ण के इस मंदिर की स्थापना मैंने ही करवाई है, लेकिन इस मंदिर की सेवा और भजन कीर्तन के लिए मुझे किसी की तलाश थी और मेरी तलाश पूरी हो गई है। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, तुम लोग कृष्ण भक्त लगते हो, क्या तुम लोग यही मंदिर में रहकर इस मंदिर की देखभाल करोगे? अगर तुम रोज भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करोगी तो तुम्हारी मधुर आवाज से कृष्ण जरूर प्रसन्न होंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान कृष्ण के चरणों में जगह मिली है और उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ठीक है, आज से तुम अपने परिवार के साथ यहीं रहो। श्यामलाल ने सरिता और उसके परिवार को रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दिया। अब सरिता, विमला, प्रेम और कान्हा चारों वहीं रहने लगे और भगवान कृष्ण की सेवा करने लगे। सरिता रोज शाम को मंदिर में भजन गाया करती। उसकी मधुर आवाज सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और उसे बेशुमार धन दौलत देकर जाने लगे। भगवान कृष्ण की कृपा से सरिता और उसके परिवार की गरीबी भी खत्म हो गई। इधर बाढ़ खत्म होने के बाद मुखिया ने सरिता और उसके परिवार की बहुत तलाश की, लेकिन वे लोग कहीं नहीं मिले। कान्हा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। सरिता और प्रेम ने उसका स्कूल में नाम लिखवा दिया। कान्हा पढ़ने में काफी होशियार था। वो पढ़ लिख कर जिला कलेक्टर बन गया और श्यामनगर गांव में उसकी पोस्टिंग हो गई। बाबा जी की भविष्यवाणी सच हो गई। श्यामनगर गांव अब कान्हा नगर के नाम से जाना जाने लगा। मुखिया कान्हा के सामने जी हुजूरी करने लगा। सरिता, बिमला और प्रेम भगवान कृष्ण के मंदिर में दिन रात कृष्ण की भक्ति करते। ये कहानी मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मीरा एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे
और उसकी माँ घर संभालती थी। मीरा बहुत छोटी थी जब वो पहली बार अपने माँ बाबा के साथ जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर गई। उसने भगवान कृष्ण की मूर्त देखते ही अपनी माँ से कहा, माँ कान्हा जी तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, आपने जैसा बताया था कान्हा जी तो उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। हाँ बेटा, कान्हा जी की छवि है ही ऐसी, जो एक बार देख ले वो सब कुछ भूलकर उनकी भक्ति में ही मगन हो जाता है। अब चल बेटा, तेरे बाबा हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, घर के लिए देर हो रही है। नहीं माँ, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, आप चली जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं तुझे अकेला छोड़कर? माँ मुझे कान्हा जी के पास ही रहना है हमेशा। मीरा की बात सुनकर शकुंतला हैरान रह जाती है। वो कुछ देर सोचती है और फिर मीरा से कहती है, बेटा तू ऐसे मंदिर में नहीं रह सकती, तुझे कान्हा जी के साथ रहना है ना, चल मेरे पास। मेरे पास एक तरीका है जिससे तू घर में भी हमेशा कान्हा जी के साथ रह सकती है। अपनी माँ की बात मानकर मीरा उसके साथ चली जाती है। घर पहुंचकर शकुंतला अपने घर के मंदिर से छोटे से बाल गोपाल की मूर्त उठाकर देती है और उससे कहती है, ये ले मीरा, आज से ये बाल गोपाल तेरे, तू हमेशा इन्हें अपने साथ रखना। सच माँ, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। माँ लेकिन मैं इनका ख्याल कैसे रखूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। शकुंतला मुस्कुराकर मीरा के सिर पर हाथ रखती है और धीरे धीरे हर दिन के साथ वो बाल गोपाल के साथ श्रृंगार और उनकी पूजा अर्चना का तरीका मीरा को सिखाती है। मीरा भी बड़े मन से सब कुछ सीखती है, भले ही खुद कुछ भी न खाया हो उसने, लेकिन अपने बाल गोपाल को सही वक्त पर भोग लगाती थी। भले ही मौसम के मुताबिक उसके पास कपड़े ना हो, लेकिन कान्हा जी के लिए वो हर मौसम के अलग अलग कपड़े बनाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, शकुंतला बीमार रहने लगी। घर का सारा काम अब मीरा को करना पड़ता था। एक दिन शकुंतला की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो कराहती हुई मीरा से बोली, मीरा बेटी बहुत घबराहट हो रही है बेटा, सांस नहीं आ रही। क्या हुआ माँ, क्या हुआ तुम्हें? ये लो पानी, मैं अभी बाबा को बुला कर लाती हूँ। मीरा जब तक अपने पिता के साथ वापस लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शकुंतला की सांसें थम चुकी थी। मीरा और उसके पिता राजेश के लिए ये बहुत बड़ा दुख था, लेकिन वक्त के साथ किसी तरह वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। गर्मी के मौसम की मार के चलते राजेश की सारी फसल सूख गई थी। उस साल उसे बहुत नुकसान हुआ। नौबत ये आ गई कि खाने पीने तक के लाले पड़ गए। ऐसे में उसे मीरा के भविष्य की भी चिंता सताने लगी। उसे परेशान देखकर एक दिन मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ बाबा, माँ की याद आ रही है? बेटा तेरी माँ की याद तो हर पल आती है मुझे, लेकिन फिलहाल मुझे तेरी चिंता खाए जा रही है। सोचा था इस बार फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे तेरी शादी एक अच्छे घर में करूंगा, लेकिन देखना पूरी की पूरी फसल सूखी पड़ी है, बारिश की एक बूंद जो नहीं गिरी इस बार। बाबा आप मेरी चिंता मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, आप और मेरे बाल गोपाल हैं ना मेरे साथ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। राजेश मीरा की तरफ मुस्कुरा कर देखता है। कुछ दिन बाद खुद ही मीरा की शादी के लिए एक रिश्ता आ जाता है। नवीन अपने पिता के साथ उसका हाथ मांगने उसके घर आता है। दरअसल नवीन को मीरा पसंद आ गई थी। उसने मीरा को भगवान कृष्ण के मंदिर में देखा था और तभी उसने मीरा से शादी करने का फैसला कर लिया था। नवीन के पिता का कपड़े का कारोबार था और नवीन भी अपने पिता की मदद करता था। राजेश ये सब जानकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत जाकर मीरा से कहा, मीरा देख तो बेटी कितना अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए, बिना कोई दान दहेज के तुझे मांग रहे हैं बेटा। लेकिन बाबा मुझे शादी नहीं करनी। मीरा अपने बाल गोपाल को हाथ में लिए रोए जा रही थी। राजेश ने उसे फिर समझाया और उससे बोला, बेटी तू तो मेरी हालत जानती ही है, तुझे पेट भर खिलाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, तो अब तू ही बता तेरी शादी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा मैं। वो तेरी किस्मत अच्छी है बेटा जो लड़के वाले खुद चलकर आए हैं, उनका निरादर मत कर और अपने इस बूढ़े बाप के बारे में भी सोच बेटा। राजेश रोने लगता है। ये देखकर मीरा को बहुत बुरा लगता है।
वो राजेश को चुप कराती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में नवीन से मीरा की शादी हो जाती है। वो अपने बाल गोपाल को अपने ससुराल में भी अपने साथ ही रखती है। नवीन मीरा को बहुत प्यार करता था, लेकिन नवीन की माँ सुधा को मीरा एक आंख नहीं सुहाती थी। सुधा एक लालची और घमंडी औरत थी। नवीन की जिद के आगे मजबूर होकर उसने मीरा को अपनी बहू बना तो लिया था, लेकिन उसे दिल से बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। वो मीरा को बातें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब मीरा अपने बाल गोपाल का श्रृंगार कर रही थी, तभी सुधा ने उसे आवाज लगाना शुरू कर दिया। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सूरज सिर पर चढ़ाया है, कुछ नाश्ता वाश्ता मिलेगा या नहीं, या सबको भूखा ही रहना पड़ेगा? जी माँ जी, बस अभी लाई, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। वो आप लोग यहाँ थे नहीं तो मैं वो कान्हा जी को। हाँ बस, जब देखो कान्हा जी का बहाना बनाकर आराम फरमाती रहती है। सब समझती हूँ मैं, पहले अपने लटको झटको से तूने मेरे बेटे को फंसाया और हमारे गले पड़ गई। एक ढेला देने की औकात नहीं थी तेरे बाप की, फिर भी ब्याह लाया तुझे मेरा नवीन। अरे तुझे तो जीवन भर एहसान मानना चाहिए हमारा, लेकिन नहीं, तुझे तो आराम तलबी से ही फुर्सत नहीं। साफ साफ कह देती हूँ तुझे, घर के काम समय पर होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी जी माँ जी। आंखों में आंसू लिए मीरा रसोई में चली जाती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। वो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती, इसलिए वैसे ही कान्हा जी के लिए उसके पास वक्त नहीं बचता था। ऐसे में सुधा की बातों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मीरा की शादी को 5 साल बीत गए और बीतते वक्त के साथ सुधा के मन में मीरा के लिए नफरत और बढ़ती गई। एक दिन सुधा की पुरानी सहेली उससे मिलने उसके घर आई तो सुधा ने उससे पूछा, और सुना शीला, क्या हालचाल हैं तेरे? बड़े दिनों बाद याद आई तुझे मेरी। हाँ सुधा, बस क्या बताऊँ, वक्त ही नहीं मिला इस बीच। ये सब छोड़, ये ले मुंह मीठा कर, मैं दादी बन गई हूँ। कल ही मेरी बहू को बेटा पैदा हुआ है, बहुत ही प्यारा है। उसका नामकरण करूंगी बड़े धूमधाम से, सबको लेकर आना, ठीक है? इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। शीला के पोते की खबर सुनकर तो जैसे सुधा आग बबूला होती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, क्या फूटी किस्मत है मेरी। एक तो ये मनहूस मेरे घर में आ गई, 5 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। हे भगवान, तू मुझे उठा ही ले, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पीछे खड़ा नवीन अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो सुधा से कुछ नहीं कहता। वो उसी शाम मीरा को लेकर एक नर्सिंग होम में जाता है और डॉक्टर को सारी बात बताकर उनसे मीरा की जांच करने को कहता है। डॉक्टर मीरा की जांच करने के बाद उसे बताती हैं, देखिए मैंने मीरा की तो पूरी जांच कर ली है, मुझे नहीं लगता कि उसे माँ बनने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार आपको भी अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर की बात मानकर नवीन अपनी जांच करवाता है। उस जांच से पता चलता है कि परेशानी मीरा के साथ नहीं बल्कि नवीन के साथ थी। असल में वो कभी पिता नहीं बन सकता था, ये नवीन और मीरा दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका था। नवीन सुधा को सब कुछ बताने ही वाला था कि तभी मीरा उसे रोक लेती है और उससे कहती है, देखिए माँ जी को ये सब जानकर बहुत दुख होगा, आप उन्हें कुछ मत बताइए। लेकिन मीरा, तुम तो माँ को जानती ही हो, उन्हें कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो कह दीजिए कि मुझ में ही कमी है, मैं माँ नहीं बन सकती, माँ जी वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती, तो ऐसा बोलने पर भी कुछ खास बदलने वाला नहीं है, लेकिन आपके बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख पहुँचेगा। मीरा के माँ नहीं बन पाने की बात सुनकर तो सुधा पहले से भी ज्यादा तीखी हो जाती है। अब तो हर वक्त वो मीरा को ताने देती रहती। मीरा बिना कुछ कहे सब कुछ सुनती रहती थी और अकेले में अपने बाल गोपाल के सामने खूब रोती थी। उसे लगता था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बाल गोपाल उससे नाराज है, क्योंकि शादी के बाद से ही उसने एक बार भी जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से नहीं मनाया था। वो सुधा के डर से कभी कुछ कर ही नहीं पाई, लेकिन इस बार उसने जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से मनाने का फैसला कर लिया था। उसने नवीन से पैसे लेकर कान्हा जी के लिए नए कपड़े खरीदे, मेवा मिष्ठान खरीदे, और जब वो सारा सामान लेकर घर पहुंची तो उसे देखकर सुधा गुस्से से बोली, ये सब क्या है? मेरे बेटे को उल्लू बनाकर उससे पैसे ऐंठ लिए तूने, और ये सब क्या नाटक है? माँ जी, ये सब मैं कान्हा जी के लिए लाई हूँ, जन्माष्टमी आने वाली है तो इसलिए। हाँ तो इतना सारा सामान, जब देखो तब खर्चा ही सूझता है तुझे। ना दहेज में कुछ लाई और शादी के बाद भी तेरे बाप ने कभी कोई रसम अच्छे से नहीं की, और तो और एक वारिस भी नहीं दे सकी तू इस घर को, और फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे का पैसा ऐसे बर्बाद करेगी,
सुधा बहुत गुस्से में थी। वो मीरा पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही उसका खुद का पैर फिसल जाता है। लेकिन मीरा उसे सही वक्त पर गिरने से बचा लेती है और उसे बचाते बचाते खुद सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। पास ही खड़ा नवीन ये सब देख रहा था। वो तुरंत ही मीरा को अस्पताल लेकर जाता है। मीरा को काफी चोट आई थी। ये सब देखकर नवीन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में सुधा से कहता है, माँ ये क्या किया तुमने? दहेज के लालच में अंधी हो गई। तुमने इतने सालों में कभी मीरा को समझने की कोशिश तक नहीं की और वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। नवीन सुधा को सारी सच्चाई बताता है। सच जानकर सुधा की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ ही देर में मीरा को होश आ जाता है। सुधा रोते हुए उससे कहती है, मीरा मुझे माफ कर दे बेटा, पैसों की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था। हर वक्त तुझमें बुराइयां ही ढूंढती रही जो कभी नहीं मिली मुझे, इसीलिए तेरी भक्ति से भी जलन हो गई थी मुझे। अब मैं सब जान गई हूँ बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे मुझे। मीरा सुधा के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। उस दिन से सुधा बिल्कुल बदल गई थी। वो अब मीरा के साथ मिलकर हर रोज कान्हा जी की पूजा अर्चना करने लगी और मीरा को भी एक बेटी की तरह प्यार करने लगी थी।